अरे भैया, साइबर अब चलोगे क्या? हाँ हाँ चलेंगे। अंकल आप? नमस्ते अंकल जी, आप रिक्शा में? अंकल आप रिक्शा चलाते हो क्या? अब कैसी बात कर रहे हो साहिल, मेरे पापा रिक्शा क्यों चलाएंगे? वो तो शायद कहीं जा रहे थे इसलिए यहाँ पर बैठ गए ना पापा। हाँ दरअसल मुझे कहीं जाना है, किसी का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। वैसे भी साहिल मेरे पापा की बहुत कंपनियाँ हैं, 200-300 लोग काम करते हैं। हाँ बेटा, मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसमें क्या है कभी 10 कारीगर बढ़ जाता है, 20-25 घट भी जाता है, तो बहुत बड़ा कारोबार है मेरा। तो अंकल आप यहाँ क्यों बैठे हो, आओ हमारे साथ चलो। हम चलते हैं ना, पापा आ जाएंगे। अबे ओए, इतना टाइम लगता है क्या आने में? तब से मैं वहाँ खड़ा हूँ, तेरे को 2 बजे का टाइम बोला था, अब टाइम देख 2:10 हो रहे हैं। अरे ओए, कैसे बात कर रहे तू इनसे? जानता है कौन है, कितने बड़े आदमी है, पता है तेरे को? तमीज में बात कर इनसे। इतने बड़े कंपनी के मालिक? अबे रिक्शे वाला है, खोखा खरीदने तक की औकात नहीं है इसकी, ये क्या कंपनी चलाएगा? ये क्या कह रहा है अंकल? अरे भाई साहब आप हो क्या? सॉरी भाई साहब, वो मुझे लगा रिक्शे वाला बैठा है। वैसे वो रिक्शे वाला कहाँ गया? दरअसल मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ, वो आएगा तो मुझे भी कहीं जाना है। अच्छा सॉरी भाई साहब, वो गलत फहमी हो गई पहचानने में। देखा पता चल गया ना कितने बड़े आदमी है ये, सॉरी बोल इनसे। हाँ भाई सॉरी अंकल जी। कोई बात नहीं, ठीक है सॉरी भाई, चलो हम चलते। अरे रुको शालिनी। अरे नमस्ते मैनेजर साहब। नमस्कार, कितना झूठ बोलोगी और कब तक बोलोगी है कि तुम्हारा बाप कोई फैक्ट्री नहीं चलाता बल्कि एक मामूली रिक्शे वाला है। ये रिक्शे वाला है? हाँ। अरे शालिनी तुम तो कह रही थी तुम्हारे पापा बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। हाँ मैंने झूठ बोला था, बस इसलिए कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। और वो भी ऐसे बंदे के लिए जो तुमसे ना प्यार करता हो बल्कि तुम्हारे स्टेटस से, कि तुम कितने पैसे वाली हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या, तुम्हारा बाप क्या करता है, और एक दिन ये छोड़ देगा तुम्हें? नहीं ऐसा नहीं है, साहिल मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी भी करेगा। साहिल करोगे ना शादी आप? ओ हेलो, मैं कोई प्यार व्यार नहीं करता। रिक्शे वालों से रिश्ते निभाएंगे क्या हम? मेरे पापा पता है तुम्हें कितनी बड़ी कंपनी का मालिक है, और मैं शादी करूंगा वो भी तुमसे? सोच भी कैसे लिया तुमने। और कोई कसर रहेगी बाकी? देख लिया कैसे भाग गया सुनते ही कि तुम्हारा बाप रिक्शा चलाता है, और इसके लिए तुम झूठ बोल रही थी। सो मच सर, आज आपने मुझे रियलाइज करवा दिया कि मेरे पापा की वैल्यू क्या है, और मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, हमें उस इंसान से तो कभी प्यार करना ही नहीं चाहिए जो हमारे स्टेटस से प्यार करे। कभी भी अपने माँ बाप के लिए झूठ मत बोलो, क्योंकि वो जैसे भी हैं तुम्हारे लिए सबसे अमीर हैं, भले दुनिया के लिए रिक्शे चलाते हैं लेकिन तुम्हें कोई कमी नहीं छोड़ी है। पापा आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद से मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत करो, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना समझी, जब भी किसी से दोस्ती करो तो सच्चाई के साथ दोस्ती करो, नहीं तो रेत का महल ऐसे ही बीच में ढह जाएगा। चल उदास होने की जरूरत नहीं, आ तेरा बाप अभी जिंदा, चल बैठ पीछे। और गोपाल जी कोई मदद की जरूरत हो बैंक में आ जाना, वहीं बैठता हूँ मैं। अरे बिल्कुल साहब, आप तो मेरे लिए भगवान जैसे हैं सर। कोई नहीं।